वेलकम जी, आई एम डॉक्टर शहजाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा आवाम जो है कंफ्यूज रहती है कि हमें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं और इसमें पेन होता है या नहीं होता है, वो है PRP ट्रीटमेंट। PRP ट्रीटमेंट क्या होता है मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी इस वीडियो में। PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपकी बॉडी के एक हिस्से से ब्लड को निकालकर उस स्पेसिफिक पार्ट पे इंजेक्ट किया जाता है जो अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अपने स्कैल्प की, मतलब बालों का मसला है, किसी को बाल टूटते हैं, किसी को बाल हेयर ग्रोथ वैसी नहीं है, हेयर स्ट्रेंथ वैसी नहीं है, वो लोग उसमें करवा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं स्किन के लिए PRP क्या होती है। स्किन के लिए जैसे लोगों की स्किन का प्रॉब्लम होता है, उनका जो है ग्लो नहीं होता, उनकी पोर्स ओपन होते हैं, उनके रेड सेल्स होते हैं स्किन पे, लेवन टोन नहीं होती, एक्ने का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका हल आप लोग PRP ट्रीटमेंट से करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, आप लोग खुद देखते हैं जैसे टाइम गुजरता जाता है, आप सेशंस करवाते जाते हैं, आपको उस चीज़ की रिकवरी आती जाती है। अच्छा, हम लोग पूछते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके नुकसान ज़्यादातर तो नहीं होते क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि अब आपने जो है इस ट्रीटमेंट के बाद आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, जो है प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आपकी हिस्ट्री देखी जाती है, हिस्ट्री में देखा जाता है कि कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई व्यवस्था तो नहीं चल रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। इन्फेक्शन के लिए होता है कि तब खून लगाया जाता है और तब उसमें PRP का ट्रीटमेंट। अक्सर लोग आते हैं, हमने PRP सेशन करवाए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। वो लोग करते ही हैं कि डॉक्टर ने अगर 10 से 15 सेशन बताए हैं तो वो क्या करेंगे, 3 या 4 सेशन बोलकर कि हमने तो करवा लिया और वो इसको सफिशिएंट समझेंगे। ऐसा नहीं होता, आपकी कंडीशन मुख्तलिफ होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन की क्या कंडीशन है, आपकी क्या कंडीशन है। डॉक्टर जैसे बताता है उसके मुताबिक उसका फॉलोअप रखें, उतने सेशंस करवाएं, तभी जाकर आपको रिकवरी आती है और इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम लोग कुछ भी आर्टिफिशियल इंजेक्ट नहीं करते। आप ही का ब्लड लेते हैं, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को निकाला जाता है एक स्पेसिफिक मशीन के ज़रिए और उसको आपके स्पेसिफिक पार्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है। अब PRP लोग कहते हैं कि PRP किस तरह से होनी चाहिए और क्या उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। PRP प्लाज्मा इंजेक्ट करने की बहुत सारी डिवाइस होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ लोग उसको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग माइक्रोनीडलिंग के थ्रू करते हैं और कुछ लोग जो है स्पेशल इसके लिए मॉडलिटीज रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी सेंटर में जा रहे हैं, बेसिकली इसमें करना क्या चाहिए। इसमें एक नेचुरल प्रोसेस है, आप सब लोगों को करवाना चाहिए। यहाँ तक कि जॉइंट्स के लिए PRP भी होती है, जिनको जोड़ों का मसला है, जोड़ों का दर्द है, घुटने का मसला है, कंधे का मसला है और स्ट्रेंथ वैसी नहीं है, ट्रीटमेंट करवा कर बहुत मसल्स को वीक महसूस कर रहे हैं, फ्लैसिड महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो PRP सेशंस भी लें। PRP सेशन से जो है उनको काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। हमारा नंबर है 0334004352। हमारा क्लिनिक है DHA पंजाब सिटी लाहौर में। हमसे आप इस बारे में या किसी भी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं और हमारे क्लिनिक में आप विजिट भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।